महागठबंधन सरकार के एक वर्ष पूरे होने पर बिहार सरकार के मंत्री मदन सहनी ने कहा कि इस एक वर्ष के कार्यकाल में लाखों लोगों को नौकरियां दी गईं। सरकार ने राज्य के लोगों को जो भरोसा दिलाया था उस पर खड़ा उतरने का काम किया है। पुलिस विभाग, शिक्षा विभाग और अन्य विभागों में लगातार बहालियां हो रही हैं। महागठबंधन के एक वर्ष के कार्यकाल में दो बड़े प्रोजेक्ट किए गए हैं। पहला जातीय गणना लगभग हो गया है। बीजेपी वालों ने न्यायालय में अपने आदमी खड़े करके जातीय गणना में अवरोध उत्पन्न किया था। पंचायती चुनाव हो या नगर निकायों का चुनाव हो, हमारी सरकार ने अति पिछड़ा और महिलाओं को आरक्षण दिया है। राज्य सरकार बिहार की जनता और गरीबों के हित के लिए लगातार कार्य कर रही है। वहीं परिवहन मंत्री शीला मंडल ने कहा कि जदयू में लोग मन की बात नहीं करते बल्कि काम करते हैं। शीला मंडल ने कहा कि महागठबंधन सरकार के एक वर्ष पूरे हो गए, लोगों का भरोसा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ है और यह एक वर्ष हम लोगों का अच्छा रहा और बिहार की जनता का पूरा सपोर्ट हमारी सरकार को रहा, कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री के विकास कार्यों का नतीजा है। इसी एक साल के दरमियान लाखों लोगों को नौकरी भी दिया गया है, जो बिहार सरकार ने भरोसा दिलाया था राज्य के लोगों को, खासकर के युवाओं को, उस पर खरा उतर रही है और लाखों लोगों को नौकरी दे रही है। शिक्षक की बहाली हो रही है, पुलिस विभाग में बहाली हो रही है, हजारों महिलाओं को पुलिस विभाग में नौकरी मिली है, अन्य सभी विभाग में नौकरी मिल रहा है। और दो काम जो सबसे महत्वपूर्ण हुआ है, बड़े बड़े प्रोजेक्ट पूरे किए गए हैं बिहार के अंदर में, लेकिन जो दो काम, खास करके जो जातीय आधारित गणना था उसका काम पूरा लगभग हो चुका है। और इसको भी जो लटकाने का काम किया गया भारतीय जनता पार्टी के द्वारा न्यायालय में अपने आदमी को खड़ा करके, वह बात भी राज्य के सभी लोग अवगत हैं इस मामले में। दूसरा जो नगर निकाय चुनाव में भी उन्होंने न्यायालय का आर लेकर के और उसका दरवाज़ा खटखटा करके उसको भी रोकने का प्रयास किया, लेकिन राज्य सरकार और माननीय मुख्यमंत्री जी हमेशा से जो अति पिछड़ा है, दलित है, पिछड़ा है, उनके आरक्षण के पक्षधर रहे हैं। और पंचायत चुनाव हो या नगर निगम चुनाव हो, दोनों जगह इन्होंने आरक्षण दिया है, अति पिछड़ों को भी दिया है, महिलाओं को भी दिया है, और उनके आरक्षण के बिना इन्होंने चुनाव नहीं कराया। और जो ट्रिपल टेस्ट के आधार पर चुनाव होना था उसके आधार पर इन्होंने अति पिछड़ा आयोग का भी गठन किया और उसके बाद सभी जगह जा करके सभी जिला में उसका जो ट्रिपल टेस्ट का काम था उसको पूरा करके तब चुनाव कराया गया है। तो राज्य सरकार बिहार के जनता के लिए, गरीबों के हित में हमेशा काम कर रही है। अब जवाब तो उनको देना चाहिए जिन्होंने कहा था कि हम 2 करोड़ नौकरी देंगे प्रत्येक साल, सभी के खाता में 15 लाख भेजने का काम करेंगे, किसानों का आय बढ़ाएंगे, उनको जवाब देना चाहिए। और फिर बहुत जो है सीना चौड़ा करके बोलते थे, तो फिर मणिपुर में जाने में उनको क्या परेशानी है, इसका भी जवाब देना चाहिए। देश के सभी नेता उनसे पूछ रहे हैं कि आखिर आप मणिपुर क्यों नहीं जा रहे हैं और आज तक माननीय प्रधानमंत्री जी नहीं गए हैं, तो इसका भी जवाब उनको देना चाहिए। देखिए, सबसे पहली बात बता दें कि हम लोग मन की बात नहीं काम करने वाले लोग हैं। अब सोचिए कि हम लोग का एक साल हो गया, कल हमको भी पता चला, और हम लोग काम में इतना व्यस्त रहते हैं और समाज में बिहार की जनता माननीय मुख्यमंत्री जी पर विश्वास करती है और जनता के लिए हम लोग काम करते हैं, तो हम लोग को देखिए आज एक वर्ष हम लोग को कितने अच्छे से बीत गया। तो कहीं ना कहीं ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के सोच और विजन का ही नतीजा है, जो आज एक वर्ष हम लोगों ने बहुत शांतिपूर्वक, बहुत अच्छे ढंग से इसको व्यतीत किया। सरकार सुशासन की बरसी देखिए, अब कौन क्या बोलता है, अब आप देखिए उनकी, उनका ये बात है, वो किस बात को किससे लेते हैं, कैसे लेते हैं और क्या बोलते हैं, ये उन लोग जाने।